एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ क्योंकि जैसे कि मैं नवंबर से कंटिन्यू वीडियो डाल रहा था नवंबर तक गेनिंग कर रहा था काफ़ी अच्छी गेनिंग हो रही थी देखिए फोटो या वीडियो में जो भी डालूंगा यहाँ पे कितनी सेक्सी मस्त बॉडी लग रही है लेकिन नवंबर में क्या हुआ मेरी बहन की शादी थी इस वजह से पूरा ऑफ ट्रैक चले गया दिसंबर जनवरी ना बिल्कुल डाइट करी ना ही अच्छे से वर्कआउट किया जो मन में आ रहा था वो पहले जा रहा था जिसका नतीजा क्या हुआ यहाँ पर देखिए ये गंदी सी बॉडी हो चुकी है तो अभी दोबारा से फिर से बैक टू वर्क आ गए हैं दोबारा से तैयारी करेंगे अभी भी गेनिंग करेंगे क्योंकि इस अभी मैंने कंपटीशन खेलना नहीं है कंपटीशन में इस ईयर के टू टू थाउजेंड के एंड में कंपटीशन खेलूंगा यानी नवंबर के आसपास ही मेरा कंपटीशन रहेगा तो लेकिन बॉडी जिस हिसाब से आप देख रहे हैं बहुत ही गंदी हो गई है और नवंबर में इस प्रकार दिख रहा था जिसमें ये काफ़ी अच्छी गेनिंग हो गई थी मेरी अभी मैं भी गेनिंग करूंगा लेकिन मेरे कोच ने बोला है कि तीन से चार वीक आप को कट करना है जो भी एक गंदा मेरे बॉडी में फ़ैट आए उसे हटाएंगे उसके बाद से गेनिंग करेंगे तो तीन चार वीक हम फिर से कट करेंगे अपने फैट को रिड्यूस करेंगे उसके बाद से दोबारा से गेनिंग स्टार्ट कर देंगे तो इस वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने जो भी अपना सप्लीमेंट स्टैक चला रहा हूँ कटिंग के लिए तीन से चार वीक के लिए मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ वो आपको मैं दिखाना जा रहा हूँ और बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ तो आप कंटिन्यू वीडियो रहेगी रोज़ जो जो कर रहा हूँ दिखाऊंगा आपको वर्कआउट वीडियो कभी कभी ब्लॉग भी बना दिया करूंगा मुझे ब्लॉग बनाने आते नहीं है लेकिन जैसा भी होकर बना के डाल दूंगा और बाकी तो जो आज वीडियो का टॉपिक है वो आपको बताता हूँ कि मैं क्या सप्लीमेंट स्टैक ले रहा हूँ तो पहली बात तो अभी मैंने एक वीक हो गया मुझे डाइट करते हुए थोड़ा बहुत फैट परसेंट नीचे हुआ सेवेंटीन हंड्रेड कैलरीज में हूँ मैं वो भी दिखाऊंगा कि क्या क्या डाइट ले रहा हूँ तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपना क्या क्या अपना स्टैक मंगवाया है कटिंग के लिए तो गाइस सबसे पहले ये है वे प्रोटीन मसल डॉक्टर कंपनी का है मैं मसल साइंस यूज करता था लेकिन अभी आउट ऑफ स्टॉक था तो मैंने मसल डॉक्टर का मंगा दिया कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन ही है ऐसा कुछ नहीं है अब हाइड्रोलाइज कॉन्सेंट्रेट या आइसोलेट कोई भी ले सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेट ऐसा प्रोटीन है कि कोई भी ले सकता है ना ज्यादा महंगा आता है ना ज़्यादा सस्ता आता है तो आप इससे ले सकते हैं अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस है आपको दूध दही नहीं पसता है तो तब आप आइसोलेट या हाइड्रोलाइज की तरफ जाए वरना कॉन्सेंट्रेट बेस्ट है तो जैसे कि मैंने आपको बताया मसल साइंस के प्रोडक्ट यूज़ करता था अभी स्टॉक में नहीं थे तो तब मैंने मसल डॉक्टर का मंगाया तो जो भी इसमें इंग्रेडिएंट लिखे हुए काफ़ी अट्रैक्ट करे मुझे तब इसलिए मैंने येला ले लिया और प्राइस भी दोनों के सेम है फोर थाउजेंड के अप्रोक्स दोनों आ जाते हैं तो इसमें ट्वेंटी सिक्स ग्राम मुझे प्रोटीन मिल रहा है काफ़ी अच्छी चीज़ है 2000 हज़ार मुझे इसमें एल सट्रोलिन मिल रहा है बी सी डबल ए मिल रहा है थ्री थाउजेंड एम जी एल आर्जिन मिल रहा है एल तीन हजार एम जी काफ़ी पंप आएगा बॉडी में और एल विटामिन मिल रहा है तीन हज़ार एम जी जिसमें की रिकवरी भी ज़्यादा अच्छी होगी मेरी जल्दी मसल रिकवर करेगा तो यही है कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है एक सर्विंग में चार ग्राम फैट मिल रहा है दो ग्राम कैलरी मिल रही है वन थर्टी एट ग्राम और शुगर भी ज़्यादा नहीं है एक ग्राम है इतना चलता है और इसका जो सर्विंग साइज है थर्टी फोर ग्राम का है और फिफ्टी नाइन सर्विंग का है मसल डॉक्टर का है तो पहली बार यूज़ कर रहा हूँ मसल डॉक्टर का जिसकी बताया था मसल साइंस की प्रोडक्ट यूज करता हूँ अगर अच्छा लगा तो नेक्स्ट टाइम भी इसे ज़रूर लूंगा लेकिन जो भी इसमें इंग्रीडियंट ले गए काफ़ी अट्रैक्टिव है तभी इसलिए मैंने लिया दूसरा प्रोडक्ट है मेरा जो है मसल साइंस का मल्टीविटामिन मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स कंप्लीट ए टू जेड फार्मूला इसमें लगभग आपको सारे ही विटामिन मिल मिल जाएंगे बी ट्वेल्व बी फाइव विटामिन सी लगभग सभी कुछ है काफी अच्छा है सिक्सटी कैप्सूल है वन कैप्सूल पर डे ये मैं लूंगा और जो तीसरा प्रोडक्ट है ये है ओमेगा थ्री फीस ऑयल बहुत जरूरी है सभी के लिए आप जिम जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं ओमेगा थ्री जरूर यूज करिए आपके सपोर्ट करेगा हेल्दी हार्ट हार्ट आपका हेल्दी रहेगा जॉइंट सपोर्ट करेगा काफ़ी अच्छा है फ्यूस ऑयल भी जरूरी है और ये भी मसल साइंस का ही मैं यूज़ कर रहा हूँ और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है मसल साइंस का प्री वर्कआउट इग्नेटर क्योंकि आजकल तो यार कटिंग कर रहे हैं तीन चार वीक की कटिंग है तो बहुत ही लो एनर्जी रहती है तो एक पुश स्टार्ट तो चाहिए ही वर्कआउट करने के लिए तो प्री वर्कआउट मैं लेता हूं अपने वर्कआउट से पहले जो क्योंकि काफ़ी अच्छा पंप देता है और मजा आता है कॉन्सन्ट्रेशन रहता है डेढ़ दो घंटा वर्कआउट करने में तो बस यही थी वीडियो यार बहुत टाइम से वीडियो नहीं डाली थी तो सोचा कुछ स्टार्ट तो करता है यूट्यूब में वीडियो डालने के लिए तो पहले इससे स्टार्ट किया जैसे कि बताया था नवंबर में इस तरह से मेरी गेनिंग बढ़िया चल रही थी सब कुछ बेकार हो गया दो महीने अंडसन खाया तो ये फैट आ गया बॉडी में तो अब दोबारा से तीन वीक कट करेंगे तीन से चार वीक फिर गेनिंग स्टार्ट करेंगे जैसे कि मैंने बताया कि कॉम्पिटिशन में खेलूंगा इस ईयर के 2022 के एंड में तो अभी गेनिंग ही रहेगी हमारे अगस्त से अगस्त से प्रैप करेंगे हम स्टार्ट तो तब हम कट डाउन करना स्टार्ट करेंगे तो गाइस ये थी वीडियो अब डेली ला डालूंगा वीडियो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कोई भी क्वेश्चन है हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हाँ इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करें एक ही एक अकाउंट है भीम है फिटनेस के नाम से काफ़ी मस्त मस्त रील्स डाला करता हूं मैं देखिए एंटरटेन हुई है और यूट्यूब में भी एक ही एक अकाउंट एक है भीम है फिटनेस के नाम से जाइए सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे फिट स्टे हेल्दी खुद भी ट्रांसफॉर्म होंगे आपको भी ट्रांसफॉर्म करेंगे